हे गाइस, कैसे हो यार सब। वेलकम बैक एक नए वीडियो में। हर नया वीडियो तो क्या ही कहूँ, पहला वीडियो है चैनल का। तो अब GTA 5 के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, बहुत सारे लोगों का फेवरेट गेम होगा और बहुत सारे लोग इस गेम को खेलते होंगे। और अगर आप लोगों ने नहीं खेला तब भी देखा तो होगा, अरे चलो देखा ना भी हो सुना तो होगा ये इस गेम के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गेम के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि शायद से आप लोगों को ना पता हो या हो सकता है पता हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना और मुझे बताना कि इनमें से कौन से फैक्ट्स थे जो आप लोगों को पहले से पता थे और कौन से थे जो आप लोगों को नहीं पता। और अगर आप लोगों को कोई फैक्ट्स पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मेहनत मजदूरी। नंबर 10। दोस्तों, आपको पता है कि आप लोग माइकल के घर में फ्रैंकलिन या ट्रेवर बनके जा सकते हो और उसकी कार के अलावा उसके किसी और फैमिली मेंबर की यानी कि अमेंडा या ट्रेसी की कार भी लेके वहां से निकल सकते हो, वो भी बिना किसी चाबी के, बिना किसी लॉक के आप लोग लेके निकल सकते हो। लेकिन अगर आप लोग अमेंडा की गाड़ी लेके निकलते हो तो थोड़ी दूरी आप जाओगे तो माइकल का मैसेज आ जाएगा कि उसको अमेंडा का मैसेज आएगा तुम उसकी कार लेके निकल गए हो और अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो माइकल आप लोगों को काफी ज्यादा डांटेगा और कभी कभी तो गुस्से में आके आप लोगों को कहेगा कि कार वापस रख के आओ जल्दी से। नंबर 9। दोस्तों, अगर आप GTA 5 में मास्क वाली शॉप पे जाते हो तो आप लोगों को वहाँ पे एक मास्क मिलता है जो कि मास्क है मैन हंटर का। अब मैन हंटर एक गेम है जो कि रॉकस्टार वालों ने डेवलप करा था और इसका फर्स्ट पार्ट 2003 में आया था और आप लोगों को GTA के काफी सारे वॉलपेपर्स में भी ये मास्क देखने को मिल जाता है। नंबर 3। दोस्तों, अगर आप लोगों ने GTA खेला है तो आप लोगों को पता होगा जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो आप लोगों के पास गेम क्रेडिट के साथ कुछ कट सीन चल रहे होते हैं और एक कट सीन में माइकल एक डॉक्टर के पास यानी कि अपने साइकोपैथिस के पास बैठा होता है जिसका नाम है डॉक्टर फ्राइलैंड। अब ये डॉक्टर असल में माइकल की मदद करता है। जब भी माइकल गुस्से में होता है तो माइकल अपनी सारी भड़ास इस डॉक्टर पे निकालता है, इसको गालियां भी देता है और इससे ओपिनियन भी लेता है कि उसको आगे क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी में, हालांकि इसकी बात कोई भी नहीं मानता होगा। लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि आप लोग गेम के बीच बीच में भी इस बंदे को फोन कर सकते, यानी कि अपने सेल फोन से इसको फोन कर सकते हो और फिर माइकल इससे बात करेगा और इसको बताएगा कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, यानी कि जो भी उस वक्त करंट सिचुएशन होगी आपकी गेम में, यानी कि आप लोगों ने पुलिस वाले को मारा है तो वो भी वो बता देगा, किसी को किडनैप किया है, कितने लोगों का मर्डर किया या कौन सा मिशन आप लोग अब कर रहे हो, वो सब कुछ वो बताएगा उसको और उसकी ओपिनियन भी लेगा और वो आप लोगों को एडवाइस देगा और आप लोग एडवाइस को मान भी सकते हो। नंबर 4। दोस्तों, अब आप लोगों को तो पता है कि GTA में एक नहीं बल्कि 3 प्रोटैगनिस्ट हैं, यानी कि माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ट्राई किया है कि एक करेक्टर के रूप में आके दूसरे करेक्टर को तंग किया जाए, यानी कि आप लोग फ्रैंकलिन बन के माइकल या ट्रेवर के पीछे अगर जाओ या कोई भी और करेक्टर बन के दूसरे प्रोटैगनिस्ट के पीछे जाओ तो आप लोगों से नॉय होने लग जाएगा, वो आप लोगों को कहेगा कि यार क्या कर रहे हो, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। वो आप लोगों को एक दो दफा तो मना करेगा लेकिन अगर आप फिर भी बाहर नहीं आते तो आप लोगों को वो सीधा नॉकआउट कर देगा और आप सीधा पहुंच जाओगे हॉस्पिटल में, यानी कि अपने ही दोस्त को मारने पीटने लग जाते हैं ये लोग। और अगर आप किसी के घर पे जाके गोलियां बरसाना शुरू कर देते हो तो उसका टेक्स्ट मैसेज आता है कि भाई साहब क्या मसला हो गया, मेरे घर पे क्यों गोलियां बरसा रहे हैं, मुझे आराम से जिंदगी जी लेने देना। नंबर 5। अब दोस्तों, GTA 5 में एक मिशन है जिसमें आप लोगों ने अमेंडा के टेनिस कोच का पीछा करना होता है और उसका घर जाके गिराना होता है। लेकिन आप जब घर गिराते हो तो टेनिस कोच तो भाग जाता है और आप लोगों को पता चलता है ये उसका घर था ही नहीं बल्कि उसने रेंट पे ये घर लिया हुआ था। लेकिन आप लोगों को गेम में आगे कहीं पे भी चल के उस टेनिस कोच का असली घर नहीं दिखाया जाता, लेकिन जो घर आपने गिराया है उसके बिल्कुल सामने अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों को छोटा सा एक घर देखने को मिलेगा जो कि है टेनिस कोच का, और आप लोगों को उसके बाहर गैराज में भी काफी सारे टेनिस बॉल और टेनिस रैकेट देखने को मिलेंगे। नंबर 6। दोस्तों, अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि GTA 5 में बहुत ज्यादा डिटेलिंग से काम किया गया है, जैसे कि जब करेक्टर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो उसके चेहरे पे या उसकी बॉडी पे काफी देर तक चोट का निशान रहता है। अगर आप किसी बैंक में या स्टोर में रॉबरी करते हो तो आप लोग जब दोबारा उस बैंक या स्टोर में जाओगे तो स्टोर का ओनर या बैंक मैनेजर पुलिस बुला लेगा क्योंकि वो आप लोगों को पहचान जाएगा। और आप लोगों को जो पोस्टर देखने को मिलते हैं स्ट्रीट्स में लगे हुए जहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, आप गेम में रह के उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो और उन लोगों से बात भी कर सकते हो। नंबर 7। दोस्तों, आप लोगों को कभी इस बारे में नहीं पता होगा कि वेस्ट वाइनवुड में एक बस भी चलती है जो आप लोगों को टूर कराती है वेस्ट वाइनवुड का। ये बस आप लोगों को ऐसे सारा टाइम देखने को नहीं मिलती बल्कि आप लोग अगर वेस्ट वाइनवुड में सुबह के टाइम जाओ तो आप लोगों को इस कलर की ये बस यहाँ पे खड़ी हुई मिलती है। और अगर आप लोग इस बस के पास जाओ तो एक रैंडम इवेंट अनलॉक हो जाता है और आप लोग फिर टूर करने लग जाते हो इस बस का। आप लोगों को इस बस में ज्यादा कुछ करना नहीं है, ड्राइव नहीं करना, बस आप लोगों ने वेस्ट वाइनवुड की जगह को एक्सप्लोर करना है और ये बस आपको बताती है और दिखाती है सारी की सारी फेमस जगह। तो अगर आप लोगों ने GTA 5 अभी स्टार्ट ही किया है और एक टूर लेना चाहते हो तो ये बेस्ट चीज है जो आप लोग कर सकते हो। टूर थोड़ा सा लंबा है, 10-15 मिनट का, लेकिन मजे का है।
नंबर 8। दोस्तों आप लोगों ने GTA San Andreas खेला हो तो आप लोगों को पता होगा कि GTA San Andreas की कवर स्क्रीन पे जब वो लोड हो रहा होता है तो एक लड़की आती है। असल में ये लड़की है कौन? ये लड़की का नाम है रोशेल और ये एक फेमस हिप हॉप सिंगर है। ये लड़की आप लोगों को गेम में कहीं पे देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक मेन कैरेक्टर नहीं है बल्कि सिर्फ एक वॉलपेपर के लिए इसकी तस्वीर वहाँ पे लगाई गई है। लेकिन अगर आप GTA 5 में yellowjack.in पे जाओ तो आप लोगों को काउंटर के पीछे वाली जगह पे काफी सारे डॉलर के नोट चिपके हुए नजर आएंगे और अगर आप लोग जूम इन करोगे तो उस पे रोशेल की फोटो है और उसके साथ नोट पे जो सारों पे नंबर है वो है $69। नंबर 9। दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब GTA 5 2013 में रिलीज हुआ था तो एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हो गई थी हर जगह पे और बहुत सारे लोग तो पागल ही हो गए थे इस गेम को लेके, यानी कि उनको बस किसी भी सूरत में ये गेम चाहिए ही चाहिए था। तो यूके में एक 23 साल के आदमी ने ये गेम खरीदा और वो गेम चोर से बाहर ही निकल रहा था और घर अपने वापस जा रहा था कि तीन लॉन्डों ने उस पर अटैक ही कर दिया, यानी कि कतई उसको पकड़ ही लिया और उसको चाकुओं से मारा और उसके GTA 5 का गेम लेके भाग गए वहां से। यानी कि सिर्फ एक गेम कॉपी के लिए उन्होंने एक बंदे को एक तकरीबन मार डाला था, जिससे कि ये नजर आता है कि लोग कितने ज्यादा क्रेजी थे इस गेम के रिलीज पे ही। नंबर 10। दोस्तों अब आप लोगों को माउंट चिलियर्ड के बारे में तो पता ही होगा, GTA 5 की एक फेमस जगहों में से एक है। अब अगर आप लोग माउंट चिलियर्ड के केबल कार स्टेशन पे जाओगे ना तो वहाँ पे वॉल पे आप लोगों को काफी ज्यादा एक स्ट्रेंज सी इमेज नजर आएगी जो कि वहाँ पे लगी हुई है बल्कि बनाई गई है, जिसमें एक माउंटेन बना हुआ है और नीचे तीन तस्वीरें हैं, एक UFO की है, एक में एक क्रैक एग है और एक में एक जेट पैक है और इन सबसे ऊपर यानी कि माउंटेन के टॉप पे दिखाया जा रहा है एक आई बनी हुई, एक सिंगल आंख बनी हुई। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ये ऐसा दिखाया गया है कि इल्यूमिनाटी पूरी के पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं और माउंटेन के टॉप पे होने का मतलब ये है कि वो सबसे ऊपर रह के सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं और पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक मिथ थी और लोगों ने वैसे ही एक बात बना ली थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि माउंट लियर्ड पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग जाओ तो आप लोगों को एक सीक्रेट जेट पैक देखने को मिलेगा। तो काफी सारे लोगों ने इस पे सालों साल मेहनत की और रिसर्च की लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मेरा ख्याल है कि रॉकस्टार वालों ने सिर्फ गेमर्स को स्पॉइल करने के लिए ये चीज बनाई थी। लेकिन लोग बहुत ही ज्यादा कतई इसके बीच में घुस गए थे, लोगों को बहुत ज्यादा सस्पेंस हो रहा था। तो रॉकस्टार वालों ने 2017 में एक DLC रिलीज की थी GTA ऑनलाइन के लिए जिसका नाम था डूम्सडे हाइस्ट, और उसमें तो उस DLC में माउंट चिलियर्ड के अंदर अगर आप लोग जाओ तो अंदर आपको एक बंकर मिलेगा, उस बंकर के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक सीक्रेट जेट पैक। तो वो वाली मिथ भी लोगों की दूर हो गई। और दूसरी चीज जो थी वो था हैच्ड एग, यानी कि टूटने वाला अंडा। तो इस गेम में काफी सारे SN प्रोग्राम के मिशन थे। अब SN प्रोग्राम एक रिलीजन है जिसके मानने वालों को ये लगता है कि ये दुनिया पूरी की पूरी जो दुनिया है वो अंडे से निकली है। कोई सेंस है इस बात की? तो दो इमेज तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब तीसरी इमेज थी UFO की। तो अगर आप लोग 100% कंप्लीट कर लेते हो अपनी GTA की गेम को तो आप लोगों को माउंट चिलियर्ड के टॉप पे रात के वक्त एक UFO नजर आएगा, और एक दफा नहीं आएगा, जितनी दफा आप जाओगे आप लोग वहाँ पे UFO को स्पॉट करोगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को 10 फैक्ट्स तो बता दिए हैं, लेकिन एक और फैक्ट है जो कि आप लोगों को शायद से ना पता हो या शायद से पता भी हो। तो अगर आप लोग काफी डिटेल में GTA को खेलते हो तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग GTA में सो भी सकते हो। नहीं, ये सबको पता है, लेकिन कितने टाइम के लिए सोते हो ये शायद कुछ लोग ही जानते हो। अगर आप लोग माइकल बन के सोते हो तो आप लोग 6 घंटे के लिए सो गए, अगर आप लोग फ्रैंकलिन बन के सोते हो तो आप लोग सो गए पूरे के पूरे 8 घंटे, और ट्रेवर की तो बात ही छोड़ दो, यानी कि ट्रेवर तो सोता है पूरे के पूरे 12 घंटे। अभी इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं था, लेकिन अगर आप लोगों को जल्दी टाइम गुजारना है किसी भी रीजन के लिए, आप लोगों को रात के वक्त सिटी को ट्रेवल करना है या सुबह करना है, तो आप लोग सो के टाइम गुजार सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो सारे के सारे फैक्ट्स जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने थे। इसके अलावा और भी काफी सारे फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को शायद से ना पता हो, जैसे कि जब आप लोगों का वांटेड स्टार लेवल इंक्रीज करता है तो पुलिस की जो कार्स हैं वो कहाँ से आती हैं? पुलिस स्टेशन से तो कतई नहीं आती, ये तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं। माइकल रियल लाइफ के किस कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है? और अगर आप लॉस सैंटोस के सी में जाओ तो अंडर वाटर आप लोगों को एक UFO देखने को मिलेगा, वो वहां पे कहां से आया? FBI वालों ने क्या वाकई एलियंस को कैद करके अपने पास रखा हुआ है? और जब आप GTA 5 को 100% कंप्लीट कर लेते हो तो फिर क्या होता है आपके साथ? ये सारे के सारे अमेजिंग फैक्ट्स हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों ने अगर वो सारी चीजें जाननी है तो जल्दी से आप लोगों को करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग वहां पे RPG मारते हो, ग्रेनेड मारते हो, मुक्के लाते, घूसते, जो मर्जी करो,
मुझे नहीं पता वो सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, जो मर्जी करो। अब जहाँ इतना सब कुछ कर रहे हो तो एक एहसान मेरे पे और कर दो कि सब्सक्राइब के साथ में जो घंटी का आइकॉन है यानी कि बेल आइकॉन, उसको दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर दो नोटिफिकेशन, वरना सब्सक्रिप्शन का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के पास तो नोटिफिकेशन पहुंचेगा नहीं जब मैंने अपलोड की होगी वीडियो। और अगर आप लोगों को काफी मजा आया ये फैक्ट सुन के और वीडियो देख के तो लाइक कर दो वीडियो, कसम से पैसे नहीं लगते, कसम खा के कहता हूँ कि सब्सक्राइब करने में और लाइक मारने में एक रुपया नहीं खर्च होता। और बस आज की मेहनत मजदूरी यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको लगा है अच्छा कंटेंट इस वीडियो का तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब अपने ब्रो को यानी असासिन ब्रो को, और मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।